लड़ा है, दोरा है, तबीजी है, अटुंडी है, इन सभी गांवों के अंदर जो पहले चलती थी बसें, वो बसें अभी कुछ दिनों पूर्व से बसें बंद हो गई है। पूरे राजस्थान में चल रही है बसें, केवल अजमेर के अंदर सारी बसें बंद है, और इसका एकमात्र कारण है कि सरकार से जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो ग्रांट इनको नहीं मिल पा रही है। गर्मी का दौर चल रहा है और ऐसी बड़ी भयंकर गर्मी के अंदर हमारा जो ग्रामवासी है, अजमेर शहर के, अजमेर की परिधि के जो आसपास के जो गांव है, श्रीनगर है, ककलाना है, दोरा है, तबीजी है, अटुंडी है, इन सभी गांवों के अंदर जो पहले चलती थी बसें, वो बसें अभी कुछ दिनों पूर्व से बसें बंद हो गई है। पूरे राजस्थान में चल रही है बसें, केवल अजमेर के अंदर सारी बसें बंद है, और इसका एकमात्र कारण है कि सरकार से जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो ग्रांट इनको नहीं मिल पा रही है, और इसलिए बसें हमारी बंद हो गई है। और बसों के बंद होने से ग्रामवासी बहुत ज़्यादा भयंकर परेशान हो रहे हैं। गाँवों के अंदर आना जाने का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और इसलिए हम आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग करी है कि जल्द से जल्द इन बसों को चालू किया जाए। अगर चालू नहीं होता है तो सरपंच संघ के हमारे अध्यक्ष, हमारे सारे सरपंच साहब, भंवर बहादुर जी, कुलदीप जी, चमन जी, सब लोग आए हैं यहाँ पर, अगर बसें चालू नहीं होती है तो हम पूरे जो सरपंच संघ वाले हैं, सारे सरपंच मिलकर सारे ग्रामवासियों के साथ में बड़ा प्रदर्शन एवं धरना देंगे। चंद्रभान गुजर हो रही। आज हम हमारे जो गाँव में जो बसें चलती थी वो बंद हो गई थी, उसका ज्ञापन देने हम कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे हैं और कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि भाई हमारे बसें वापस चालू की जाए, जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो और आम जनता परेशान हो रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये बसें वापस चालू हो और इनका जो पेमेंट अटका हुआ है वो पेमेंट दे दिया जाए, तो इनकी बसें वापस चालू हो सकती है हमारे गाँव की। ये नगर उपनगर निगम वाली जो बसें हैं वो बसें हैं जो लोकल चलती है गांव में, जो हमारे गांव में चलती है। हमारे जैसे श्रीनगर है, ककलाना है, अपने हटुंडी है, राजौसी है, ये सब बसें बंद हो चुकी है। कारण तो जो सरकार के जो इनका टेंडर था उसका टेंडर का पेमेंट नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी। भाई इनका पेमेंट अगर दे दिया जाएगा तो वो कह रहे हैं हम वापिस चालू कर देंगे। हमारे अभी 7-8-10 दिन हो गए बसों को बंद हुए। परेशानी तो जनता बिल्कुल परेशान हो रही है, जनता को आना जाना दिक्कत हो रही है, बच्चे पढ़ने वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं। मतलब सिटी में जो आने की जो सुविधा है वो बसें बंद हो रही है, तो फिर कैसे आया जा सकता है। मैडम ने आश्वासन दिया है कि भाई 1-2 दिन में हम आपकी इसकी पूरी करेंगे। सुनवाई नहीं होती तो गाँव वालों को इकट्ठा करके फिर लाते हम। दिलीप राठी, सरपंच अध्यक्ष, पंचायत समिति श्रीनगर।